बोले श्री सद्गुरु महाराज प्राणाधार सुंदर साहब जी, आज सभी की परीक्षा थी। सुबह जैसा मौसम था, क्योंकि इस साल शायद ये दूसरी बार कोहरा छाया है, इससे पहले नहीं छाया था। और ये परीक्षा थी कि इसको देख करके घरों में ही बैठे रहते हैं या निकल करके आ पाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब यहाँ तक पहुँचे, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में पधारे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों के द्वारा गायन सुना, फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट। ब्रह्म सृष्टि, रूह कहें, आत्मा कहें, सूरता कहें, है तो ब्रह्म सृष्टि है। हम स्वयं को मोमिन कहते हैं, सुंदर साथ कहते हैं, शब्द बहुत सारे हैं, बस भाव एक है और वह है आत्म भाव अथवा अंगना भाव। और ब्रह्म की आह्लादिनी अथवा आनंद स्वरूपा कहलाने वाली हम ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियों के बहुत सारे लक्षण बताए हैं। कलश की वाणी में सुहागिन के लक्षण अलग बताए, किरंतन में देखेंगे वहां पर भी सुहागिन ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण बताए। अच्छा, जिन्होंने वाणी नहीं पढ़ी है, जिनको सिर्फ तारतम याद है, तो तारतम में भी सुहागिन के लक्षण बताए। अभी हम श्रृंगार ग्रंथ खोल करके बैठे हैं, श्रृंगार की चर्चा शुरू कर रहे हैं। श्रृंगार में भी ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताए, लेकिन हर ग्रंथ में, हर चौपाई में अलग अलग प्रसंगों के हिसाब से अलग अलग लक्षण बताए। इसका तात्पर्य क्या है कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी उनमें वो सारे लक्षण होंगे जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में वाणी में बताए गए हैं, वो सभी लक्षण होंगे, क्योंकि सभी लक्षण एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी कभी नहीं होते। एक लक्षण पूरा होगा तो दूसरा अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे 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 हमारी रहनी का स्तर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी जीव की जागृति का स्तर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी कुर्बानी का अथवा हमारे समर्पण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हम में अलग अलग लक्षण दिखते जाएंगे। जैसे एक बच्चा विद्यार्थी होता है, स्कूल जाता है, एक ही विषय को लेकर के वह ग्रेजुएशन भी करता है, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है, और उसके बाद में पीएचडी भी करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन, साथ में प्रैक्टिकल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी परिपक्वता, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, वो परिपक्वता बढ़ती जाती है। इसी तरह से अब जब श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचे, क्योंकि धामधनी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, प्रकरण का जो शीर्षक है वह है चरण हक माशूक के उपली शोभा। धामधनी के चरण कमल की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के लक्षण कैसे होते हैं। कह रहे हैं, फेर फेर चरण को निरखिए। देखने में और निरखने में थोड़ा फर्क है। जैसे लगभग सभी यहाँ पर थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़े होंगे, अंग्रेजी में देखने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग होते हैं प्रसंग के अनुसार। वैसे ही यहाँ देखने और निरखने में फर्क है। देखना हो गया नज़र मार लेना, दिखाई पड़ रहा है, हमारी आँखों के सामने जो कुछ भी आता है हम उसको देखते हैं, बशर्ते प्रकाश का संयोग हो। लेकिन हम निहारते किसी किसी को हैं,
निहारना भी देखना ही होता है, लेकिन हम देखते सब कुछ हैं, निहारते किसी किसी को हैं। किसको निहारते हैं? निहारने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक सुंदरता और दूसरा उस सुंदरता के प्रति प्रेम। अब राज्य के चरणों की शोभा का वर्णन हो रहा है और उसको निहारने की बात की जा रही है। सुंदरता है उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके उनकी सुंदरता से अधिक सुंदर कुछ नहीं। कहते हैं ना, अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। पूज्य स्वामी जी की चर्चा में बार बार ये बात सुनने को मिलती है। कहते हैं ये बात प्रेम के संदर्भ में भी लागू होती है और सुंदरता के संदर्भ में भी, कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में, पृथ्वी में जितनी सुंदरता है तो पंचभौतिक शरीर, पांच तत्वों से बना हुआ है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा सौंदर्य कहा जाता है कि उन दिव्य शरीरधारी ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का होता है। उनसे करोड़ों गुना ज़्यादा सौंदर्य कहा जाता है कि विष्णु भगवान के अंदर है, विष्णु और लक्ष्मी में। लेकिन विष्णु और लक्ष्मी में जितनी सुंदरता है उससे अनंत गुना सौंदर्य योग माया के एक कण के अंदर है। अब सोचिए कि परम धाम की सुंदरता कैसी होगी, और जो सुंदरता के मूल हैं, वैसे तो संपूर्ण परम धाम का जर्रा जर्रा, एक एक कण राज्य का ही स्वरूप है मारिफत की दृष्टि में। लेकिन यहाँ जब राज्य के शोभा का, उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है, तो सोचिए कि जिनका लीला स्वरूप संपूर्ण परम धाम है, उसकी सुंदरता का वर्णन ऐसे किया जा रहा है, तो वह स्वयं कितना सुंदर होगा जो सभी सौंदर्यों का निर्माता है। तो उसमें उसकी सुंदरता में कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी शर्त जो है वो लागू नहीं हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि निरखने के लिए, निहारने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक है सुंदरता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुरूप वस्तु को निहारता नहीं है, देखता है और वहाँ से नज़र हटा लेता है, घृणा करता है वैसी वस्तु से जो देखने में भद्दी लगती है, गंदी लगती है। और जब सोचे कि जिससे घृणा हो उससे प्रेम हो, ये दोनों तो एक साथ संभव है ही नहीं। लेकिन यहाँ राज्य के चरणों के संदर्भ में अथवा संपूर्ण स्वरूप नख से लेकर के सिख तक की भी हम बात करें, तो उसमें एक ही चीज़ लागू होगी कि वो सुंदरता है। परम धाम के अपरिहार्य गुणों में से एक है सुंदरता। तो सुंदरता है, लेकिन निहारने वाले के अंदर प्रेम है कि नहीं, अब ये दूसरी शर्त है। यदि हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम उसको निहारेंगे, हम उसको निरखेंगे, लेकिन यदि प्रेम नहीं आ पाया है तो हम सिर्फ उसके विषय में सुनते रहेंगे। महामती जी कह रहे हैं, फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसको यही रट लगी रहेगी। रट लगने का मतलब क्या होता है? एक ही चीज दोहराते रहना, रटना तो वही होता है ना। विद्यार्थी कोई चीज याद करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी चीज को दोहराते रहते हैं जब तक वह उसके मस्तिष्क पटल पर, दिमाग पर छप नहीं जाती तब तक। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि को भी ऐसी ही रट लगी रहती है कि धामधनी के चरण कमल को निरखना है, देखना है, निहारना है। अब जब प्रेम ही नहीं होगा तो सुंदरता का वर्णन कितना भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, एक कहावत प्रचलित है समाज में कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होता है। वैसे आंखों में नहीं होता है, देखने वाले के दिल में होता है, क्योंकि आंखें तो सभी की एक ही जैसी है। हाँ, रंगों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है किसी वजह से, लेकिन आंखें सबके पास है, सभी देखेंगे तो एक ही तरह से। लेकिन एक माँ, माँ का बच्चा काला कलूटा भी होगा तो वह बच्चा
उनके लिए राजकुमार से कम नहीं लगता है। माँ कहती है अपने बच्चे को, चाहे कैसा भी दिखता हो, कैसा भी अतरंगी कपड़े पहन करके जाए, पूरी दुनिया उससे हो सकता है कि उसका मजाक उड़ाए, लेकिन माँ कहेगी कि बेटा सही तो लग रहा है, सुंदर तो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है बच्चे के प्रति। यदि उतना प्रेम भी हमारे हृदय में राज्य के लिए आ जाए तो हम उनको देखने के लिए लालायित रहेंगे। यही रट रहेगी हमारी कि हमें उनको देखना है। और रट का मतलब क्या है, यहां पर एक शब्द है जिद, कि देखना ही है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी चीज को रटता है तो ये सोच करके रटता है ना कि याद करना ही है। तो जब हमारे मन में, हृदय में ये बात दृढ़ घर कर जाएगी कि हमें देखना ही है, और उसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ रही है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी भरपूर मेहनत कर रहा है अपने तरफ से और याद नहीं हो रहा है, तो उसको दुख होगा। ब्रह्म सृष्टि के साथ भी वैसा ही है। पूरी शिद्दत के साथ, दृढ़ता के साथ याद करने पर भी, देखने की चाहना करने पर भी जब दिखाई नहीं पड़ता है, उसके पीछे कारण क्या है? एक संस्कृत में नीति का श्लोक है जिसका कथन क्या है कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। प्रयास करने पर भी कोई चीज़ सिद्ध नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ कोई कमी है, दोष है। और दोष किस में? हमारे प्रयास में। कहीं ना कहीं हमारे जीव में कोई विकार है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है। और जब जीव उस दुख से दुखी होने लगता है तो हम कहते हैं ना, दुख थे विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। तो ये रटने की बात इसलिए की गई है। संपूर्ण वाणी में से आप कोई भी चौपाई उठाइए, उस भाव पर, उस चौपाई के भाव पर जब हम चिंतन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले हर चौपाई में, हाँ ये है कि किसी में प्रत्यक्ष रूप से बात बताई गई है, किसी में परोक्ष रूप से, लेकिन सबका सार यही निकलता है कि हमें हमारे जीव को निर्मल करना है। तब परिस्थिति कैसे आएगी? हक कदम हृदय आए वाली। क्योंकि आया तो वो पहले से ही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसके अनुभव न होने का कारण ही है बीच में वो पर्दा। पर्दा क्या है? जीवों के विकार रूपी, अथवा जीव के अहम रूपी। अहम भी विकार में आता है, क्योंकि विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि। तो ये सारे विकार तब समाप्त होंगे जब हमारे अंदर वो रट होगी, वो जिद होगी कि हमें उनको देखना ही है। कह रहे हैं हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। अब इस चौपाई को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये प्रश्न ये होता है कि अंतरपट खुलेगा तब कदम हृदय में आएंगे, या फिर कदम पहले हृदय में आएंगे और अंतरपट खुलेगा। दोनों साथ साथ में होंगे, है ना? क्योंकि एक किसी को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं अंधेरे में, लाइट जलती है, हम कैसे कहेंगे उसको कि अंधेरा गया फिर प्रकाश, उजाला हुआ, या फिर उजाले के आने के बाद अंधेरा गया? कैसे कहेंगे? व्यक्त नहीं कर सकते। किसी भी तरह से कहें बात सच है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ सिर्फ समझाने का तरीका है। एक कह रहे हैं हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट, जो एक माया का पर्दा है वो समाप्त होगा, राज्य के कदम हमारे हृदय में आएंगे। और कदम हृदय में आने का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी बार बार अपनी चर्चा में ये बात कहते हैं कि कदमों की, चरणों की शोभा का वर्णन इसलिए किया जाता है, सबसे पहले चरणों का दर्शन इसलिए किया जाता है, चरणों में प्रणाम इसलिए किया जाता है, और बोलचाल में जो बड़े लोग हैं अथवा महापुरुष हैं अथवा सद्गुरु हैं, वो जब हमारे घर आते हैं तो यही कहते हैं कि आपके चरण पधारे, यहाँ पर आपके कदम आए, यही कहते हैं ना। सामान्य लोगों को कहेंगे कि आप आए, ऐसा क्यों?
तो इस संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ कदम होते हैं वहाँ संपूर्ण शोभा होती है, वहाँ संपूर्ण स्वरूप होता है। तो चरणों के हृदय में आने का मतलब है कि राज्य के नख से लेकर के शिख तक की सारी शोभा हमारे हृदय में आ चुकी है। तो उन चरणों के विषय में महामती जी कह रहे हैं कि फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। उस पर्दा को हटाने की देरी है, या यूं कहें कि चरणों को बसाने की देरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं कि पहले एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, दोनों एक साथ ही होंगे। अंधेरे के जाने की और उजाले के आने की प्रक्रिया एक साथ ही होगी। आगे कह रहे हैं, गुण केते कहूं इन चरण के, धामधनी के चरणों के गुण कहाँ तक वर्णन किया जाए। कहते हैं आवे न माहे सुमार, कि इस संसार के शब्दों से व्यक्त कर पाना संभव नहीं है, उतना ही वर्णन कराया जा रहा है धामधनी के द्वारा जितने से हमारी बुद्धि में थोड़ी बात घुसे, हमारे अंदर उनको पाने की इच्छा जगे, इच्छा तड़प में बदले जिसको रट कहा गया है, और उसके बाद हम प्रेम के द्वारा समर्पण के द्वारा राज्य को रिझाएं और उसको देख सकें। वरना संपूर्ण वर्णन सोचे कि इस संसार के आशिक मासुक एक दूसरे की शोभा का जब वर्णन करते हैं, या संसार के कवि चाहे महाकवि कालिदास ही क्यों ना हो, या बड़े बड़े महाकवि हुए इस संसार में, लेकिन उन्होंने भी अपने आराध्य के गुणों की बयां करते हुए, गुणों का वर्णन करते हुए यह कहा कि उपमा ही नहीं है। तुलसीदास जी की रामायण में एक प्रसंग आता है, ये भजन शायद सबने सुना होगा, ठुमत क चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सबने सुना होगा, सबके घरों में बजा होगा। उसमें एक लाइन आती है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, उसकी सबसे अंतिम लाइन है कि रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। कैसे उपमा दी? कहते हैं श्री राम की छवि के समान और क्या है, किसकी उपमा दें? राम की ही छवि है। राम जी जैसे कौन? कहते राम जी जय राम जी ही। सोचे इस संसार में दशरथ के पुत्र हैं वो, अधिक से अधिक भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन सोचिए कि इस संसार के भक्त जब अपने आराध्य के गुणों का बयान नहीं कर सकते, जो कि 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो सोचिए कि बेसुमार बेहद जो सुंदर है उसकी सुंदरता का वर्णन इस संसार में हद में कैसे किया जाए। बस ये कहा गया कि अर्श बका वर्णन किया ले मसाला इतका, यहाँ के कुछ शब्दों को कुछ उदाहरणों को लेकर के वर्णन तो किया गया, और वर्णन करने के पीछे कारण वही मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे अंदर इच्छा जागृत हो। किसी की सुंदरता का वर्णन जब हम सुनते हैं तो उसको देखने की इच्छा होना स्वाभाविक है, किसी के आवाज़ की मधुरता का हम श्रवण करते हैं कि वो इतना अच्छा गाता है अथवा इतना अच्छा गाती है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, आजकल तो हम सब के पास मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब में उस कलाकार का नाम सर्च करेंगे, फिर उसको ढूंढेंगे और कहेंगे कि हाँ वाकई में अच्छी आवाज़ है। किसी के विषय में यदि हम सुनते हैं, कोई एक्टर है एक्ट्रेस है जिसके विषय में किसी ने कह दिया कि वो तो इतना सुंदर है अथवा इतनी सुंदर है, हम क्या करेंगे, तुरंत खोजेंगे। अब सोचिए कि धामधनी के सुंदरता का वर्णन हम, हमारा जीव अथवा हमारी सुरता अलग अलग जीवों में बैठ करके पिछले लगभग 350 वर्षों से सुन रही है, इस जन्म में भी कई वर्षों से सुनती आ रही है, लेकिन फिर भी उनको देखने की तड़प, मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, इच्छा थोड़ी देर के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन तड़प अगर नहीं हो रही है तो फिर कहने को तो ये नया साल है लेकिन नया फिर कुछ भी नहीं है। अब मूल मुद्दा यह है, एक हास्यास्पद बात है कि परम धाम में और हम सुंदर साथ में एक समानता है,
इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी। वैसे तो परमधाम की तुलना यहाँ पर की ही नहीं जा सकती, लेकिन एक समानता है दिख रही है अभी, वो क्या है पता है? परमधाम भी कभी नहीं बदलता, हम भी नहीं बदलते, जैसे के वैसे ही हैं अभी। कई वर्षों से हम चर्चा सुन रहे हैं, चाहे ज्ञानपीठ में आकर के हो, चाहे अपने अपने गाँव में शहर में गोष्ठी के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, जूम मीटिंग के माध्यम से, वर्षों से हम चर्चा सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं बदल रहे बिल्कुल परमधाम की तरह। परमधाम के न बदलने का तो लाभ है और कारण यह है कि वो अखंड है, लेकिन हमारे न बदलने का नुकसान है। जब हम बदल ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह से, तो साल नया होके क्या होगा? सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, तारीखें बदलेंगी, अगले साल फिर से हम इसी तरह से इकट्ठे होंगे, फिर से नए वर्ष की बधाई देंगे, फिर से श्रृंगार नहीं तो सागर की चर्चा सुनेंगे, मारिफत की चर्चा सुनेंगे, फिर अगला कैलेंडर बदलेगा, वापस जाएंगे, फिर 2024 की शुरुआत में आएंगे। ये नया साल नहीं है। यदि हमने धाम धनी की शोभा को अपने हृदय में नहीं बसाया तो वही पुराने हम, दिन वही है, बस ये कि ऋतुएं बदल रही है, कैलेंडर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे, लेकिन ऋतुएं तो बदलेंगी ही ना, उसके बदलने में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो अपने आप ही बदलता है। प्राकृतिक नियम है, ऋतुएं बदलती रहेंगी, लेकिन प्राकृतिक नियम तो हमारे ऊपर भी कुछ तो लागू होना चाहिए। हाँ, हमारा शरीर बदल रहा है, हम सबके शरीर बदल रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो बिल्कुल सफाचट थे, आज उनकी मूछें दाढ़ी उगाई है। आपकी नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है। शरीर में परिवर्तन है, जो किशोर थे वो जवान हैं, जो जवान हैं वो अधेड़ हो चुके हैं, जो अधेड़ थे वो वृद्ध हो चुके हैं, जो वृद्ध थे उनमें से बहुत सारे सुंदर साथ आज नहीं है। कहने को तो हमने कह दिया कि उनका धाम गमन हो गया है, लेकिन हम अपने विषय में विचार करें तो क्या अभी हमारी रहनी ऐसी है कि एक मिनट के बाद में हमारे प्राण छूट जाएं अगर, या ये बात करते करते हमारे प्राण छूट जाते हैं? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके, कल्पना करके देखें कि थोड़ी देर के लिए हमारी, ये मान लें कि हमारे प्राण छूटने वाले हैं अभी, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कोई ये दावा कर सकता है हम में से कि हमारा जो जीव है सीधे प्राणनाथ जी के चरणों में पन्ना जी पहुँचेगा, हमारी सुरता वहाँ पहुँचेगी, ऐसा कोई दावा कर सकता है हमारे रहनी को देखते हुए? क्योंकि हमने धामधनी को हृदय में बसाया ही नहीं। वाणी कहती है कि जो मासुक सेज न आइया, देख्या सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। मासुक हमारे प्रेमास्पद धामधनी श्रीराज जी, जब तक हमारे हृदय रूपी सेज पर, सैया पर नहीं आ जाते, जब तक हम उनको नहीं देख लेते, उनसे बात नहीं कर लेते, अथवा उनकी बात नहीं सुन लेते। अभी कुछ दिनों पहले जूम मीटिंग में जो सुंदर साथ उपस्थित थे, हमने हक मासुक की जुबा की शोभा का वर्णन सुना था कि जाको नाम ही रसना होसी कैसे मिटियक। उस संदर्भ में भी हमने ये बात की थी कि धामधनी की बातों को सुनना भी कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं, देखिया सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को। उस हृदय रूपी सैया पर धामधनी को विराजमान करके उनके साथ प्रेम और आनंद का जिसने अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमारे हृदय में राज्य को बसा करके उनके साथ आनंद में डूब जाना वही मारिफत है। इसके अलावा तो और कोई मारिफत नहीं है ना। कोई भी इस संसार में पूर्ण रूप से 2400 घंटे मारिफत में रह ही नहीं सकता है, मारिफत को बता ही नहीं सकता है। सिर्फ ये कह सकता है कि मारिफत ये है, लेकिन कैसा होता है
नहीं बता सकता, क्योंकि बताया तो मारिफत ख़त्म। जैसे एक कहने को एक कहावत प्रचलित है, कहानी प्रचलित है कि बीरबल को किसी ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है। जवाब सबको पता होगा, मौन अथवा खामोशी। बोला तो ख़त्म। उसी तरह से मारिफत भी है, व्यक्त किया तो समाप्त हो गया, मारिफत रहा ही नहीं, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। और वो कब? जब हम हमारे हृदय रूपी सैया पर धामधनी का अनुभव कर रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, उनमें एकाकार हो रहे हैं, वही मारिफत है। तो जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते तब तक हमारा साल नया नहीं होगा, हम कितने भी शुभकामनाएं दे दें। क्योंकि कल शाम की चर्चा में जो सुंदर साथ उपस्थित थे उनने तो ये बात सुनी, लेकिन शायद आप में से आधे भी लोग नहीं थे, इसलिए मैं एक चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक ब्रह्म सृष्टि के लिए, एक सवाल मैं आपसे पूछूँ कि एक सुहागिन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा माना जाता है? कि वो सदा सुहागिन रहे, है ना? तो एक ब्रह्म सृष्टि के लिए सबसे अच्छी शुभकामना क्या होगी? कहने को तो आज के दिन लोग वही बधाई देते हैं ना कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, यही सब आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साहब के लिए सबसे बड़ी, सबसे शुभ बात ये होगी कि उसके हृदय में धामधनी विराजमान हो जाए। इससे शुभ कुछ हो सकता है? तो नए साल की शुभकामना देनी हो चाहे लेनी हो तो शुभ कुछ ऐसा करें हम कि जिससे हम में कुछ परिवर्तन हो, हम आत्म जागृति के पथ पर कुछ कदम तो आगे बढ़ें अगले साल तक, वरना हम इसी तरह से आते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्म जागृति नहीं हो पाएगी। महामती जी कह रहे हैं, गुण केते कहूँ इन चरण के, आवे न माहे सुमार, याही वास्ते खेल दिखाइया। खेल में हम क्यों आए हैं? उन चरणों के लिए, उन चरणों की शोभा में डूबने के लिए। क्योंकि कह रहे हैं, याही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देख सी देखनहार। कोई जो ब्रह्म सृष्टि जो देखने वाली होगी धामधनी के चरणों को, वही देखेगी। क्योंकि इसका सुख ले पाने वाली केवल वही ब्रह्म सृष्टि है। सुनने वाले तो बहुत होंगे। क्या कह रही वाणी? कि कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तीन का होए सी जो लेसी यह विचार। लाभ किसको मिलेगा? जो इस ब्रह्मवाणी पर विचार करेंगे, उस पर डूबेंगे, उस पर अमल करेंगे। क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं, यहीं पर भी 70-80 की संख्या में सुंदर साथ हैं। यदि ये चर्चा YouTube पे जाएगी तो धीरे धीरे करके समय बीतता जाएगा, हजारों लोग सुनेंगे, लेकिन उन हजारों में से लाभ किसको होगा? अगर 10,000 लोग देखते हैं तो उनमें से 10 लोग भी शायद ही धामधनी को अपने हृदय में बसाने के लिए एक कदम आगे बढ़ पाए, और अगर उतना कर पाते हैं तो सार्थक है फिर हमारा कहना भी। कह रहे या ही वास्ते खेल दिखाया, खेल में आने का कारण ही यही है। कई बार हम कहने को बोल देते हैं, शुरू शुरू में जब हम चर्चा सुनते थे, हमें कोई सवाल पूछा जाता था, क्योंकि एक ही उत्तर पता था कि हम इस संसार में क्यों आए, तो हम कहते थे माया का खेल देखने के लिए। नहीं, खेल देखने के लिए नहीं आए। क्या कहा? बार बार ये चौपाई भी कह रहे हैं या ही वास्ते खेल दिखाइया, बीतक में क्या कहा? सुख लेने आए हो, नहीं भेजे सोवन को। सुख लेने के लिए आए हैं। जो आनंद हम परमधाम में रहते हुए नहीं ले पाते थे, ऐसा नहीं कि वहां कमी थी, कमी नहीं थी इस वजह से नहीं ले पाते थे, यहां कमी है तो हम उसका आनंद ले सकते हैं। कोई भोजन का आनंद कब ले सकता है? जब भूख लगी हो ना। जल का आनंद, पानी का आनंद, शरबत का आनंद ले सकता है जब प्यास लगी हो। तो यहां पर प्यास है, प्यास जगाएंगे हम तो लाभ ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। अभी तो हमारे अंदर प्यास है ही नहीं।
कहने को हम बिना जल की मछली हैं, कहा है ना वाणी में कि जो मीन बिछुरी जलत हैं यागत जाने रे सोई। तो कहने को तो हम बिना जल की मछली हैं, लेकिन तड़प कहाँ है? फिर कह रहे हैं, याही वास्ते खेल देखाइया रूह देख सी देखनहार। कोई देखनहारी ब्रह्म सृष्टि होंगी, वही इसका आनंद ले पाएंगी, वही उसमें डूब पाएगी। अब यदि हम चाहते हैं कि नया वर्ष हो और शुभ हो, तो हमें कुछ नया तो करना पड़ेगा। कल सहारनपुर के भी कुछ सुंदर साथ जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे, हम सब ने एक बात समझ लीजिए कि ये प्रण समझ लीजिए या विचार किया कि ऐसा कुछ एक आजकल एक शब्द ट्रेंड में है, प्रचलन में है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कहते नए साल में हम कुछ प्रण ले लेते हैं कि वो हम अगले पूरे साल भर करेंगे। तो हमारा ये प्रण होना चाहिए कि दिन में कम से कम 15-20 चौपाइयाँ कम से कम वाणी की पढ़ेंगे, समय हो तो टीका सहित पढ़ेंगे, समय ना हो तो सिर्फ चौपाइयाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन 15 चौपाई, 20 चौपाई, 25, 50 चौपाई जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। कम से कम आधा घंटा राज्य को याद करने के लिए, ध्यान के लिए हम देंगे, कम से कम आधा घंटा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कहते हैं तो डर लगता है, पहले ही हाथ पांव फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये हो गई अपने लिए वाणी पढ़ना, चितवनी करना अपने लिए, और सुंदर साथ की, दूसरे सुंदर साथ की जागनी के लिए हम एक निश्चित सेवा, आर्थिक सेवा, धन की सेवा हम अलग से रखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इस्लाम मत में एक शब्द आता है ज़कात, शरीयत के नियमों में से एक है, उसमें अपनी आय का 40वां हिस्सा देना पड़ता है, मतलब 2.5%, 2.5% समझ लीजिए। ईसाई मत में 10वां हिस्सा देना पड़ता है, मतलब 10%, 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये देना पड़ता है। और अब उसका प्रयोग इस्लाम में अधिकतर वही आतंकवाद के लिए भी प्रयोग होता है, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों के लिए, शिक्षा में तो बहुत ही कम लगता है। ईसाई मत में भी वैसा ही है, धर्म परिवर्तन के लिए जो गरीब लोग हैं उनको पैसा दे देते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो नकारात्मक कामों में लग रहा है। अच्छा, एक और समाज है, यहाँ तो आप सब हरिद्वार के बिल्कुल पास में हैं, और सहारनपुर जाते हुए भी एक स्थान आता है गायत्री परिवार का, शांति कुंज का। उनमें नियम है कि प्रत्येक अनुयायी के नाम से दिन में 1 रुपया देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, एक घर में अगर 5 सदस्य होंगे तो 5 रुपये देना पड़ता है, दिन का 5 रुपया कुछ नहीं लगता है, कुछ लगता ही नहीं कि हमने दिया है। लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर 1 करोड़ अनुयायी हैं उनके, तो दिन का 1 करोड़ रुपया इकट्ठे हो रहा है बिना कुछ किए। अब सोचिए कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़े हुए जितने लोग हैं, अथवा हमारे समाज में जितने सुंदर साथ हैं, वो सब भी ज्ञान के प्रचार के लिए, साहित्य के प्रकाशन के लिए, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम करने के लिए यदि दिन का 1 रुपया इकट्ठा करेंगे सब में से, मान लीजिए 40 लाख की समाज, 40 लाख का समूह है सुंदर साथ का, दिन में 40 लाख इकट्ठे होता है तो एक महीने में कितना होगा? लगभग 12 करोड़। और साल भर में 144 करोड़। उसमें से हम यदि उस पैसे को धर्म प्रचार के लिए लगाएं, शिक्षा के लिए, अलग अलग जगहों पर विद्यालय खोलने के लिए लगाएं, जहां पर गरीब बच्चे आकर के पढ़ सकें, और जहां के पाठ्यक्रम में हम एक विषय कम से कम ऐसा रख सकें जो निजानंद दर्शन से संबंधित हो, तो इस तरह से जब हम बड़ा विजन रखेंगे तो वाणी का प्रचार होगा। जैसा मैंने कहा ना चर्चा की शुरुआत में ही एक बात कही थी मैंने कि ब्रह्म सृष्टि के बहुत सारे लक्षण अलग अलग जगहों पर बताए, ये लक्षण तो स्वयं के लिए है ना,
स्वयं को सुख देने के लिए, और जो सुख हमें मिला ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार, उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अपने लिए हम वाणी पढ़ते हैं, अपने लिए चितवनी करते हैं, दूसरी ब्रह्म सृष्टि तक पहुंचाने के लिए हमें ये आर्थिक सेवा की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई दिन का एक रुपया अगर निकाल सकता है, महीने के 30 रुपये दे सकता है, तो कोई 300 रुपये देने वाला भी होगा, कोई 3,000, कोई 30,000 दे पाने वाला भी होगा। लेकिन यह है कि निरंतरता होनी चाहिए और एकजुटता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाएँ तो हम आर्थिक रूप से भी जागनी में बहुत कुछ योगदान दे पाएंगे। जैसा कि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए नए वर्ष में हम ये एक संकल्प करें, मन ही मन ये प्रण करें, दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कितना करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम अगले नए वर्ष में उपस्थित हों तो कम से कम हम में परिवर्तन दिखे, चाहे दूसरों को दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारी आत्मा तो संतुष्ट होगी, हमारे जीव को तो वह आनंद मिलेगा कि चलिए हम कुछ कदम धामधनी की राह पर आगे बढ़ पाए हैं, कुछ कदम हम जागनी की राह में आगे बढ़ पाए हैं। तो तभी हमारा नया वर्ष सार्थक होगा, अन्यथा ये साल जैसे निकला है व्यर्थ, वैसे ही निकल जाएगा। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे का जो कार्यक्रम है आदरणीय शशांक जी संचालित करेंगे। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी, और एक बार फिर से आंग्ल नववर्ष की सबको शुभकामनाएं।